बुरी तो तुम बेटा ऑलरेडी हो तरी वाला बन जाओ जाओ अंडे जा। समझ गया मैंने सुखू बोला बेटा अब तू पढ़ ले उस्ताद जी दरअसल बात जी हरी की मोह की तबियत खराब है के पेट में ना सर दर्द है ऐसा है बेटे पढ़ ले नहीं तो अगर तूने नहीं पढ़ा तो दर्द पेट का और बढ़ जाएगा ले बेटा, चर्चा ठीक है तो जा शायरी में शायर कहना चाह रहा है कि दिल्ली में हर दिन दारू मिलती है और हमारे यहाँ पे सिर्फ तरकारी और तरबूज मिलते है मुर्गा जा और सहला <laughs> बेटा आप तू पढ़ हाँ। गुंच नशे गुफ्त को दूर से मत दिखा कि यूं हाँ। बोसे को पूछता हूं मैं मुंह से मुझे बता कि आवा जी उस्ताद नशे दूसरा हाँ उस्ताद इसमें शायद ये कहना चाह रहा है कि तू मुझे नासिक में दूर से मत दिखाकर क्योंकि बॉस मुझसे पूछता है कि मुंह से मुंह कैसे मिलाऊं क्यों <laughs> सही सुनाया ना जी। मुर्गा बन जाओ सहलाओ शायर बनोगे शायर बनोगे शायर बनोगे बनो बनो तुम लोग हमें न बनना शायर बस शायर तो तुम्हारे पुरखे भी बनेंगे बेटा हमारा नाम मनहूस कानपुरी ऐसे ही नहीं है जो काम हम हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं और ये काम भी करके छोड़ेंगे तो मैं शायर बना के छोड़ेंगे सुनो 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 मॉडर्न कॉलोनी के वासियों ध्यान से सुनो मैं शहर का कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशम पाल सिंह मॉडर्न कॉलोनी में अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन ऐलान करता हूँ डॉक्टर साहब ये कमिश्नर साहब तो अचानक से लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं सर नहीं? अरे मत बाबा को मैं जानता हूँ शाहरुख सलमानी हाँ आप तो बाबा शाहरुख सलमानी है ना न किस बात का ऐलान चल रहा है क्या जाम की दुकान पे सेल शुरू हो गया है क्या आ, या फिर राशन की दुकान पे राशन फ्री में मिल रहा हुआ तुम लोगों को राशन पाने के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या जिनकी पहले से सोची उनको क्या सोचेगा सर काम धंधा तो है नहीं हमारे पास सिर्फ खाने पीने का काम है तो बस उसी की बात करते हैं अरे सर, लौंडो, मैं बाबा जी की साइन लैंग्वेज पहचानता हूँ लेकिन बाबा जी कुछ ठीक इशारा नहीं कर रहे हैं अरे जो बाबा इशारा कर रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं कहा कह रहे हैं अंकल अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि विभूति नारायण मिश्रा से बच के रहो है? क्योंकि अब वो विभूति नारायण मिश्रा नहीं है बल्कि विभूति नारायण मिश्रा की खाल में एक शैतान घुसा हुआ है कमिश्नर साहब आप आप मतलब आप जे कहना चाह रहे हो मतलब आपका मतलब ये है कि विभूति सेठ के अंदर भूत घुस गया है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए और बाप रे बाप मात साहब कमिश्नर साहब लौंडो बाबा जी कह रहे हैं विभूति नारायण मिश्रा के अंदर वो शैतान शायर मनुष कानपुर की आत्मा घुस गई है ए, ए, हम भी तो वही कह रहे हैं कि विभूति नारायण मिश्रा एक शैतान है जो अपनी मनहूस शायरी से हम सबको आप सबको बर्बाद कर देना चाहता है कमिश्नर साहब अब ये बात ना अच्छे तरीका से हमारी समझ में आ रही है कहा आ रही है आ रही है कि अभी थोड़ी देर पहले अभी 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 जो न, है ना विभूति भैया छोटी सी बात पर हम तीनों की ऐसी ऐसी कर कर दी, ऐसी कर दी। धुलाई कि ढंग से बैठो भी ना जा रहे कमिश्नर अंकल कसम खा के कह रही हूँ कमिश्नर साहब ऐसा लग रहा जैसे सौ फोड़े एक ही जगह पे फूट गए हूँ अरे मैया ऐसे शैतान को रोकिए सर कि जमना से मटकी भर के ले गए हैं जाहिर लौंडे बाबा जी कह रहे हैं विभूति नारायण मिश्रा एक वायरस है और हम सबको इस वायरस से बचकर रहना पड़ेगा अरे हम भी तो बार-बार 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 यही तो ऐलान कर रहे हैं कि हम मॉडर्न कॉलोनी में लॉकडाउन का ऐलान करते हैं और आप सब लोग विभूति नारायण मिश्रा से दूरी बनाए रखिए वरना आप सब लोग दुनिया से दूर हो जाओगे मोरी मैया <laughs> मैं तो क्लिनिक बन करके कहीं पर छुप जाऊंगा आप क्या करेंगे मां सब एक काम करिए आप बिना अपनी बीबी के पल्लू के नीचे छुप जाइए तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं भाभी जी कॉफी बहुत अच्छी थी बहुत बहुत शुक्रिया कॉफी पिलाने का तो मैं चलता हूँ देरी से जाऊंगा ना तो मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करेगी अरे तो कह देना ना कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड विभूति के यहाँ थे विभू का नाम लूंगा तो वो तो मुझे पकड़ कर और धोएगी इतना चढ़ती है तुम्हारी वाइफ विभू से ये तो नेचर है भाभी जी अक्सर बेस्ट फ्रेंड से पत्नियाँ चिढ़ती है जैसे कि आप मुझसे चिढ़ती है नहीं तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं चिढ़ती हूँ इनफैक्ट मैं तो विभू के हर फ्रेंड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हारी तो सबसे ज्यादा करती हूँ मैं वो क्या है ना भाभी जी जब मैं और विभूति दोनों फोन पे बात करते हैं ना तो अक्सर आप सामने आ जाती हो हाँ तो तो विभूति फोन अपने जेब में रख देता है काटना भी भूल जाता है हाँ तो तो मैंने अक्सर सुना है कि मेरे बारे में आपके अंदर कितने अच्छे विचार है अब तुम ही बताओ सच सच रात का टाइम तो बीवी के लिए होना चाहिए ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए तो अब विभू को देख लो पूरी रात तुमसे बात करता है तो मेरा गुस्सा होना तो जायज है ना? हाँ हाँ, आप गुस्सा कीजिए बिल्कुल गुस्सा कीजिए, लेकिन अभी मैं चलता हूं। अरे रुको ना बैठो <laughs> हमारे बीच में जो ये गलत फहमिया है वो तो क्लियर कर लेते ना पहले लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम गलत फहमिया क्लियर करने का है वैसे भी विभूति के अंदर शैतान घुस गया है अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो, वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा इसलिए मैं चलता हूँ अरे रुको ना बैठो तुम कहीं नहीं जाओगे